गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई सुबह, नया उत्साह और एक नई मंजिल। इन सब में एक पुराना, मतलब बाबा आदम के ज़माने का दोस्त, जिसके साथ हम आज की यात्रा करने वाले हैं। अपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। इसका नाम है स्वप्निल। तो चलो अब कहाँ चलते हैं वो हम रास्ते में आपको बताएंगे। दोस्तों दिल्ली से निकले हुए हमें हो गए हैं 2 घंटे। कितने बजे निकले थे हम? 7 बजे। हम घर से निकले थे 7 बजे और अभी रास्ते में पलवल पे रुके हुए हैं। पलवल पे अभी यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, कुछ सुबह से कुछ है नहीं है तो कुछ खा के फिर आगे बढ़ेंगे और रास्ते में आपको बता देंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं विकास शर्मा, बिजनेस एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। और आप देखिए मेरे बगल में जो बैठा हुआ है बंदा, इसका नाम है स्वप्निल। हेलो, ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है और मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ में पढ़ता था, हम साथ में रहते थे, खेलते थे बहुत टाइम, हमने साथ में स्पेंड किया है, बहुत ही फनी गाया है। और आज हम दोनों मिले हैं बहुत दिनों के बाद, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 साल के बाद 10 साल के बाद हम मिल रहे हैं। क्यों स्वप्निल भाई? बिल्कुल। और लेकिन फीलिंग वही है 10 साल वाली। 10 साल के बाद भी हम बिल्कुल ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे बचपन में मिलते थे। मतलब दोस्ती जो होती है ना, तो वो फीलिंग को कहाँ ले जाओगे? दोस्त दोस्ती रहता है, चाहे वो कितना बुढ़ा हो जाए, चाहे कितना बचपन रहे, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दोस्त दोस्त रहता है। तो ये तो होगी दोस्ती वाली बात। आज क्या है कि आज है एकादशी, रंग भरनी एकादशी। तो हम दोनों ने आज प्लान बनाया है और आपको भी ले चल रहे हैं हम ब्रज की होली, और ब्रज में भी बरसाने की होली दिखाने के लिए। और अभी रास्ते में हम पलवल पार कर दिया है और जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है ये NH2 है, नेशनल हाईवे 2, जो कि दिल्ली से आगरा जोड़ता है। दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर बरसाना पड़ता है। अगर मथुरा से आप आते हैं तो मथुरा से पड़ेगा 50 किलोमीटर लगभग, और आगरा से आते हैं तो आगरा से भी 105-110 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो मिलते हैं आपसे बरसाने में, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों ब्रज मंडल के श्री राधा रानी की नगरी बरसाने की होली विश्व विख्यात है। यहाँ की होली देखने देश विदेश से लोग आते हैं। वैसे तो पूरे ब्रज में ही होली धूमधाम से बनाई जाती है, लेकिन बरसाने में श्री राधा कृष्ण के होली खेलने की परंपरा आज भी कायम रखी गई है। यहाँ पर होली की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है और लगभग 40 दिनों तक रंग महोत्सव चलता रहता है। यहाँ की परंपरा के अनुसार फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होली खेलने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पहले दिन लड्डू की होली, दूसरे दिन लठमार, तीसरे दिन फूल होली, चौथे दिन गुलाल की होली, विभिन्न प्रकार से यहाँ होली उत्सव मनाया जाता है। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म, श्री राधे। दोस्तों प्रेम की देवी श्री राधा रानी का मंदिर लाडली सरकार महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। श्री राधा जी के जन्म के बाद राधा जी के पिता श्री व्रज भानु जी रावली गांव से इस स्थान पर आ गए थे और इसी स्थान पर रहने लगे थे। तेरे ही चरणों में राधे, मेरी खुशियों की चाबी है,
मेरा दम निकले तेरी चौखट पर, बस यही तमन्ना बाकी है। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व गोरी है। संगादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गोरी है। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व, मिलती मिलती जोड़ी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्णचंद, और कृष्ण को तत्व ब्रसुभान की किशोरी है, ब्रसुभान की किशोरी है। होली का त्यौहार बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर त्यौहार होता है, जिसे हर धर्म के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग एक साथ मिलकर सारे क्लेश पे भुलाकर प्रेम के रंगों द्वारा बहुत उत्साह से मनाते हैं। दोस्तों, वैसे पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में इसको बनाने का एक अलग ही अंदाज रहता है और एक अलग ही इसका तरीका रहता है। आज ब्रज में होली रे रसिया, बड़ी धूमधाम से होली मनाई जा रही है। अब देखिए, ब्रज में भी बरसाने में बहुत ही अलग अंदाज से होली मनाई जाती है, अलग अलग तरीके से। एक दिन लठमार होती है, एक दिन लड्डू की होली होती है, एक दिन फूलों की होली होती है। आज जो है रंग भरनी एकादशी है, तो आज रंगों की गुलाल की होली है। तो राधा और श्री कृष्ण की होली खेलते थे, वही प्रथा आज भी ब्रज में चलती है और बरसाने में उसी तरीके से होली खेली जाती है। दोस्तों, आज हम बरसाने में हैं और पूरे दिन बरसाने में रहेंगे, यहाँ की होली का एंजॉय करेंगे, यहाँ की होली देखेंगे कैसी होती है और होली का यहाँ पर आनंद लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, श्री राधे राधे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लठमार होली है, जिसे देखने लाखों की संख्या में लोग बरसाना आते हैं। लठमार होली की प्रथा इस प्रकार है कि बरसाने से पूर्ण विधि विधान से होली खेलने का न्योता देने नंदगांव जाया जाता है। फिर वहां से पुरुष ढाल लेकर बरसाने आते हैं, जिनका स्वागत बरसाने की महिलाओं द्वारा लठों से किया जाता है। पूरा बरसाना, पूरा ब्रज अपने रंगों में, प्रेम के रंगों में सराबोर है। और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, देखिए, बिजनेस एस्ट्रोलॉजिकल की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं, अभी हम चल रहे हैं वापस। और होली तो आपने देख ली है किस तरीके से यहाँ मनाई जाती है। आज रंगभरनी एकादशी है, तो रंगभरनी एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत जोरों से होली मनाई जाती है। बोल राधा रानी की जय। हाँ भैया, कितने का गिलास है? विजय जी राधा, 20 रुपये का। ये 20 रुपीज़ का गिलास है इनका। और क्या क्या कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें? डालते हैं 56 प्रकार के मसाले। बना के खाओ, 56 प्रकार के मसाले। भैया वेस्ट ड्रॉ है, हाई टेस्टी तो है, बढ़िया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे। राधा तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ हैं वो तेरे आधीन, श्री राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी बरसाने की होली। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे।